बीकॉम के छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। घर के कमरे में फंदे पर लटका मिला शव। मृत युवक का नाम अजय चौहान। गोले का मंदिर थाना क्षेत्र गोवर्धन कॉलोनी का मामला। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। जी हां, आज सुबह वीकॉम के छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पूरा मामला गोवर्धन कॉलोनी का है। यहां पर अजय चौहान नाम के युवक ने फांसी लगा ली। पुलिस ने पहुंचकर जांच पड़ताल की तो सुसाइड नोट भी युवक के पास मिला। सुसाइड नोट में युवक ने अपनी कई बातें जो कि मन मस्तिष्क में चल रही थी उनको शेयर किया। अपने माता पिता से माफी मांगी। सुसाइड नोट के लास्ट में लिखा, बस खुशी इस बात की है कि जाते जाते मुझे फेवरेट रोहित शर्मा का मैच देखने को मिलेगा और अजय हमेशा के लिए दुनिया से चला गया। ग्वालियर से गजेंद्र जैन की एक रिपोर्ट। जी आज 12 तारीख है, तो 12 तारीख को फरियादी दिनेश सिंह चौहान पुत्र नवाब सिंह चौहान निवासी गोवर्धन कॉलोनी द्वारा यहाँ थाने आकर एक रिपोर्ट की गई थी। उनके द्वारा बताया गया था कि अजय चौहान पिता धर्मेंद्र सिंह चौहान उम्र 25 साल पंखे से फंदा लगाकर फांसी कर ली, उन्हें अपने घर में फांसी लगा ली है। तो वहाँ पे कुछ नोट सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है जिसके संबंध में अभी इनिशियल स्टेज पे मर्ग जांच में है और जो भी साक्ष्य मिलेंगे वैसे आगे कार्रवाई की जाएगी।